माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, वेरी गुड। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर अबाउट द बर्ड्स। ओके, सो यू नो बर्ड्स क्या होते हैं? पक्षी है ना, जो कि हवा में उड़ते हैं, दैट आर कॉल्ड बर्ड्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, थैंक यू इन एडवांस। चलो लेट्स स्टार्ट बॉडी ऑफ बर्ड। अभी हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि कैसी उनकी बॉडी होती है, कैसी उनकी बीक होती है, बीक किससे, चोंच है ना, और किस तरीके से उनके पंजे होते हैं, क्लॉज होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। सो बॉडी ऑफ अ बर्ड, द बॉडी ऑफ बर्ड इज स्ट्रीम लाइंड विच मेक इट ईजी फॉर देम टू फ्लाई। स्ट्रीम लाइंड क्या होती है? जैसे कि एक मैं ड्रॉ करूँगी तो किस तरीके का होता है, कोई इस तरीके की उसकी चोंच होती है और इस तरीके का होता है ना बड़ा सा, और उसके बहुत सारे फैदर्स होते हैं ऐसे ऊपर। तो स्ट्रीम लाइंड का मतलब होता है आगे से तो पतला और पीछे से थोड़ा ब्रॉड, उसको स्ट्रीम लाइंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी बोट होती है ना, बोट भी ऐसे होती है, ऐसे और आगे से शार्प होती है, ये स्ट्रीम लाइंड हो गया, मतलब आगे की तरफ शार्प और बीच में से ब्रॉड। तो इससे क्या हेल्प मिलती है, जो बर्ड्स होते हैं वो एयर में अच्छे से फ्लाई कर पाते हैं। जैसे कि प्लेन होता है, वो भी स्ट्रीमलाइंड होता है, आगे से आप देखोगे कि बहुत शार्प होता है, बीच में ब्रॉड होता है, ताकि वो अच्छे से एयर में से जा पाए। तो इसी तरीके से जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो भी स्ट्रीमलाइंड होती है, और उसके हेल्प क्या मिलती है, विच मेक इट ईजी फॉर देम टू फ्लाई, ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर पाए। बॉडी ऑफ बर्ड इज़ मेड अप ऑफ द होलो बोन्स टू रिड्यूस द बर्ड्स वेट फॉर फ्लाइट। देखो भगवान ने कितना सोच समझ के बनाया है कि इनकी जो बोन्स है ना वो भी हॉलो बनाई है। हॉलो होती है खोखली, अंदर से खाली होती हैं, जिससे उनकी बॉडी क्या होती है, हल्की हो जाती है और वो हवा में ईजिली उड़ पाते हैं। बर्ड्स लिफ्ट अप इन द एयर बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। आपने देखा है पक्षी कैसे उड़ते हैं, अपने पंखों को वो क्या करते हैं, विंग्स को ऊपर नीचे करते हैं। तो जब अपने विंग्स को वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं उसको बोलते हैं अपस्ट्रोक, हेयर इज अपस्ट्रोक। एंड जब उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, डाउनवर्ड्स ले जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं डाउन स्ट्रोक। ईजिली लर्न कर पाओगे। अ बर्ड्स बॉडी एंड विंग्स आर कवर्ड विथ थ्री काइंड्स ऑफ फैदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बर्ड की बॉडी के ऊपर आप फैदर देखते हो, जो उनके पंख देखते हो, वो तीन तरीके के होते हैं। अभी तक आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा कि तीन तरीके के पंख भी उसके ऊपर हो सकते हैं। सो पहले तरीके का जो उसके ऊपर फैदर होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लाइट फैदर। नाम से पता चल रहा है फ्लाइट फैदर मतलब जो उसको उड़ने में हेल्प करेंगे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लाइट फैदर फाउंड इन द टेल एंड द विंग्स। टेल पे जो उनकी पूंछ होती है और उनकी जो विंग्स होती है वहाँ पे ये फ्लाइट फैदर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर मेंट फॉर फ्लाइंग एंड बैलेंसिंग, जिससे वो अपना उड़ पाते हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस रख पाते हैं। ठीक है, सो दीज आर अबाउट द फ्लाइट फैदर, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, टेल एंड विंग्स पे। सेकेंड पे आता है डाउन फैदर्स। डाउन मतलब जो नीचे की तरफ जाते हैं, शॉर्ट एंड सॉफ्ट फैदर टू कीप द बर्ड वॉर्म, बर्ड की बॉडी को वॉर्म रखने में काम आते हैं डाउन फैदर्स। एंड बॉडी और काउंटर फैदर्स, और थर्ड टाइप के कैसे फैदर्स हो गए, जिसको बॉडी और काउंटर फैदर्स हो गए, ये हो गया नंबर वन फ्लाइट फैदर, नंबर टू हो गया डाउन फैदर, और नंबर थ्री हो गया नंबर वन इज फ्लाइट फैदर, सेकेंड वन इज डाउन फैदर, एंड थर्ड वन इज बॉडी एंड काउंटर फैदर। तो ये थ्री टाइप्स के फैदर्स हो गए। और जो बॉडी और काउंटर फैदर है वो क्या करता है, फॉर गिविंग द स्ट्रीम लाइन शेप टू द बॉडीज बर्ड, टू द बर्ड्स बॉडी, बर्ड्स की जो बॉडी होती है उसको स्ट्रीम लाइन शेप लाने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी ऑफ अ बर्ड। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। ये आपको पता होगा, हम सबको पता है, जो बर्ड्स होते हैं वो एग्स ले करते हैं, और वो एग कहाँ ले करते हैं, वो अपना बहुत सुंदर सा नेस्ट बनाते हैं जहाँ पे वो एग्स को ले करके उसकी केयर करते हैं, जिसमें से उनके बेबी निकलते हैं। तो एक होते हैं टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या करती है, जैसे टेलर होते हैं हमारे यहाँ, वो क्या करते हैं, स्टिच करते हैं ड्रेसेस को, है ना, इसी तरीके से टेलर बर्ड होती है, वो क्या करती है, अपनी बीक को मतलब चोंच को यूज़ करती है लाइक अ नीडल, जैसे
कपड़े सिलने के लिए नीडल का यूज़ होता है, वैसे टेलर बर्ड अपनी बीक को यूज़ करती है। लेकिन टेलर तो कपड़े सिलता है, लेकिन ये जो टेलर बर्ड है ये क्या करती है, लीव्स को आपस में सिलती है टू मेक नेस्ट। ओके, एक होगी वीवर बर्ड। वीवर क्या होते हैं कि जो बुनते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक वीवर बर्ड होती है जो वीव करती है, क्या बुनती है, ग्रास को और ट्विग्स को। ग्रास तो आपको पता है घास हो गया, और ट्विग्स होते हैं जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। इन एंड आउट विद इट्स बीक टू मेक अ ब्यूटिफुल नेस्ट विद अ टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ इट। आपने देखा होगा उसकी टनल लाइक ओपनिंग होती है बॉटम में, जहाँ से वो घुसती है और चारों तरफ अपना ग्रास और ट्विग से अपना नेस्ट बना लेती है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं जो आपके स्कूल में भी आएगा EVS की बुक में, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बीक्स ऑफ द बर्ड्स। बीक्स क्या होती हैं, चोंच जिसको बोलते हैं हम, ये जो चोंच है ये इसकी बीक्स हैं इन बर्ड्स की। सो पहले बात करते हैं बीक। देखो ये क्या शो कर रखा है, फर्स्ट फिगर में पैरट शो किया हुआ है। इसकी जो शेप है वो कैसी है, ऐसे देखो कर्व्ड है ना, नीचे की तरफ आ रही है। तो इस ऐसी शेप किसकी है, स्ट्रॉन्ग, और जो कर्व्ड होती है वो किसके काम आती है, क्रैक नट्स एंड सीड्स, सीड्स और नट्स को क्रैक करने के काम आती है। और इसका एग्जांपल है पैरट। तो पैरट की कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग और कर्व्ड होती है। सेकंड बात करते हैं हमिंग बर्ड। ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की जो बीक है कैसी दिख रही है हमको, लॉन्ग दिख रही है और पॉइंटेड दिख रही है। हर जो बर्ड है, हर जो एनिमल है, उनकी बॉडी के जैसे भी फीचर्स हैं, जैसे भी उनकी शेप है, वो उनके काम के अकॉर्डिंग होती है। तो इसकी जो लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक है ये क्या काम आती है, टू सक द नेक्टार। नेक्टार क्या होता है, जो फ्लावर के अंदर लिक्विड होता है वो उसको सक करते हैं ये बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, तो उसको चूसने के काम आती है। नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट विद द होल्स एट द साइड्स ऑफ टू टेक इन मडी वाटर विद इंसेक्ट्स एंड टू फिल्टर वाटर थ्रू द होल्स। अब क्या है, ये हमें क्या दिख रही है, डक दिख रही है ना। डक में आप क्या देख रहे हो, ये इसकी बीक है, यहाँ पे एक होल बना हुआ है। तो एक इधर की तरफ होल है, एक दूसरी तरफ होल है। तो उसका क्या काम आता है, ये क्या करते हैं, जो मडी एरिया होता है, जो कीचड़ होता है, तो कीचड़ को अपने मुँह में से ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इंसेक्ट को तो अंदर रख लेते हैं और मड को, जो कीचड़ बचता है, उसको इस होल से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो होल्स हैं इनके काम आते हैं। तो इसकी डक कैसी की भी कैसी हो गई, ब्रॉड और फ्लैट विद होल्स हो गई। नेक्स्ट इज स्पैरो। स्पैरो और पीजन की कैसी होती है, छोटी होती है, शॉर्ट होती है, लेकिन हार्ड बीक होती है, जिससे क्या करते हैं, हेल्प टू क्रैक ओपन सीड्स एंड ग्रेन्स, सीड्स और ग्रेन को ओपन करने में काम आती है। नेक्स्ट आ गया वुड पैकर। आपको आपने ज़रूर देखी होगी वुड पैकर। वुड पैकर क्या टक 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 कर देती रहती है ट्रंक पे उसके ट्री के। तो वो क्या करती है, इसकी जो बीक है वो स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड है, टू मेक होल इन अ ट्री ट्रंक एंड पुल आउट इंसेक्ट। वो टक 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 करके अपनी चोंच से जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंदर से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट टाइप की बीक कौन सी हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, शार्प हो गई, और हुक्ड हो गई। हुक्ड मतलब ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आ रही है, हुक्ड बीक है, फॉर टीयरिंग अप द फ्लैश, जो कि मांस को फाड़ने में काम आती है। तो वो किसकी है, ईगल की, ठीक है। सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ बीक्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। ओके, अब बीक की बात कर ली, बॉडी की बात कर ली, क्या रह गया हमारे पास, क्लॉज ऑफ बर्ड। क्लॉ होता है पंजा। तो कैसे कैसे क्लॉज होते हैं, देखो ये जो फर्स्ट फिगर में आपको दिख रही है, ये जो क्लॉ होता है ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स में, आपको नाखून कितने बड़े बड़े से स्ट्रॉन्ग से दिख रहे हैं, मतलब जो कि मांस खाने वाले बर्ड्स हैं उनमें ऐसे क्लॉज होते हैं, शार्प होते हैं, कर्व्ड क्लॉज होते हैं, कॉल्ड द टैलून्स। इनको टैलून्स बोलते हैं, टू कैच द प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, जैसे कि ईगल। ओके, नेक्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स होते हैं जो अपने बहुत ज़ोर से अपने पंजों को यूज़ करके जो ब्रांचेज होती हैं ट्रीज़ की उस पर बैठते हैं। तो पर्चिंग बर्ड्स हैव थ्री टोज इन द फ्रंट, 1, 2, 3, ये तो आगे की तरफ है, फ्रंट की तरफ, एंड 1 एट द बैक, एक पीछे की तरफ है, टू होल्ड ऑन टू अ ब्रांच, ताकि वो ब्रांच को अच्छे से पकड़ पाए। एग्जाम्पल है स्पैरो। ओके, सो नेक्स्ट टाइप की जो हमारा क्लॉ है
वो कैसा है, स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैचिंग जैसे स्क्रैच होता है खुजली करना, जैसे आप खुजली करते हो नेल से ज़ोर ज़ोर से, तो स्क्रैचिंग बर्ड्स होते हैं उनकी जो क्लॉज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग शार्प और हार्ड क्लॉज होते हैं ताकि वो डिग आउट कर पाए, बाहर निकाल पाए इंसेक्ट्स को फ्रॉम द ग्राउंड। एग्जाम्पल हैन। नेक्स्ट आ गया क्लाइंबिंग बर्ड्स, मतलब ऊपर चढ़ने के काम आते हैं। हैव टू पॉइंटेड अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ है टू तो, एंड टू पॉइंटेड डाउनवर्ड्स, दो नीचे की तरफ हैं, जैसे कि वुडपैकर। ओके नाउ नेक्स्ट टाइप है, ये आपने ज़रूर देखा होगा, ऐसा किसके पास होता है, कैसा होता है, ये होता है डक के पास होता है। इसमें बीच में फ्लैप लगा होता है, मतलब बीच में से ही इसकी फिंगर्स जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, क्यों, ताकि उसको स्विमिंग में हेल्प मिलती है। तो स्विमिंग बर्ड्स हैव द वेब्ड फीट, एग्जाम्पल डक। फिर आते क्रेन। क्रेन में क्या होता है, आपने देखा होगा जू में गए होगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग लॉन्ग उनकी लेग्स होती हैं, तो जो वेडिंग बर्ड्स होते हैं हैव द लॉन्ग लेग्स विद द स्प्रेड आउट टोज, मतलब उनके जो पंजे होते हैं बहुत चौड़े होते हैं, ऐसे दूर दूर फैले होते हैं, ठीक है। तो वेडिंग बर्ड्स हैव द लॉन्ग लेग्स विद द स्प्रेड आउट टोज, ये क्या हो गए, क्रेन्स हो गए, ठीक है। सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड आर इंट्रोडक्टेड पार्ट ऑफ द चैप्टर टू, दैट इज बर्ड्स। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज काइंडली सब्सक्राइब एंड लर्न फास्ट। थैंक यू।